बहुओं से निवेदन, सुबह उठ करके आप जय जिनेंद्र करना मत भूलिए। सास को नाश्ता ना दो चलेगा, भोजन ना दो चलेगा, खाने पीने की उनकी कोई इच्छा नहीं। लेकिन रोटी की भूख नहीं है, आप हाथ जोड़ करके घर के मुखिया पन का जो उनका दर्जा है आप सम्मान दीजिए। बस अगर सास ने कह दिया बेटा खुश रहो, फिर कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि दे दिया खुश रहो। अब वो सास कोशिश करे कि मेरा आशीर्वाद आज के दिन इसे फले, झगड़ा नहीं हो, विवाद नहीं हो। जय जिनेंद्र, हाथ जोड़ करके अभिवादन करना मत भूलिए। सास को बहू ने प्रणाम किया, नमस्कार किया, सास को बड़ा ताजु हुआ। बहू गुजर रही थी, उसके पांव की ठोकर से गिलास रखी थी, गिलास गिर गई, फूट गई। ससुर ने कहा बहू देख कर चला करो। बहू ने हाथ जोड़कर कहा जी पिताजी मेरे से गलती हो गई, आइंदा में ख्याल रखूंगी। ससुर ने कहा और ये इसको क्या हो गया, अब तक तो मैं ये इसको अगर कुछ बात कहता था तो मैं एक बात बोलता था, ये 10 बात बोलती थी, लेकिन आज इसने बड़ी विनम्रता से अपनी गलती स्वीकार कर ली। ससुर के मन में बदलाव आया, सास के मन में बदलाव आया। 4 दिन बाद पति दुकान से वापिस आया, पति ने आवाज दी अजी सुनो, आवाज दी अजी सुनो। पत्नी बोली आईजी आईजी, ये DIG बहुत हो गए। पति को लगा, पत्नी आई और बोली आपने मुझे बुलाया, हाँ जरा पानी लेकर आओ, अभी लाई। पानी लेने गई, पति को लगा इसे अब तक पानी मांगता था तो पानी तो नहीं मिलता, जवाब मिलता था कि तुम अपने हाथ से निकाल के नहीं पी सकते क्या, देख नहीं रही मैं काम कर रही हूँ। आज इसे क्या होगा, ये तो कुछ बोले नहीं, पानी लेने गई, पानी लेकर आई। पत्नी पति का भी मन बदला, ससुर का भी मन बदला, सास का भी मन बदला। पत्नी को लगा धीरे धीरे मंत्र काम कर रहा है, धीरे धीरे मंत्र काम कर रहा है। और 15 दिन में हालत यह हो गई, सास ने बहू को बुलाया और बुलाकर कहा बहू ये घर की तिजोरी की चाबी, घर की मालकिन बना दी और सबकी चैती बन गई। एक दिन अचानक बहू का भाई लेने के लिए आया, ससुराल के लोगों ने मना कर दिया, हम नहीं भेजेंगे, अच्छे आदमी को कोई जुदा करना नहीं चाहता, कोई विदा करना नहीं चाहता। परिवार के लोगों ने कहा हम नहीं भेजेंगे। लड़की की बहू के भाई ने कहा रक्षाबंधन का त्यौहार है, बहन भाई को राखी बांधेगी। घर के लोगों ने मजबूरन बहू को विदा किया। अब विदा हुई, घर पहुंचती रास्ते भर ससुराल की प्रशंसा करती गई, पहली बार बुराई करती गई थी, इस बार प्रशंसा करती गई। घर पहुंची बाप से लिपट गई, बाप ने कहा बेटी स्वर्ग कैसी लगी, बेटी ने कहा एकदम स्वर्ग जैसी। पहले बोली थी एकदम, बेटी ने बाप ने कहा कि स्वर्ग कैसी, बोले एकदम स्वर्ग जैसी। और बोले ससुर तो मुझे आपसे भी ज्यादा स्नेह रखते हैं। और बोली सास की तो बात ही मत करो, कभी भी मुझे माँ की कमी का आभास नहीं होने देती। और बोले तेरे देवर किसे, बोले देवर मुझे माँ जैसा सम्मान देते हैं। और बोले जेठ साक्षात भ्राता का रूप है। और बोले ननद, बोले इससे अच्छी सहेली तो कोई हो ही नहीं सकती। और बोले मेरा दामाद, बोले पिताजी आपने भी क्या चुन के ढूंढा है। और बोले पड़ोसी एकदम सज्जन ईमानदार और शरीफ। बेटी बाप ने कहा शाबाश बेटी, तेरी साधना सफल हुई। गुजारिश, परिस्थितियों के अनुरूप
जो अपने को ढाल कर जीता है, जहर भरे संसार में भी वो अमृत पीता है। परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर जो अपने को जीता है, वो जहर भरे संसार में भी अमृत पीता है, और यही जीवन की गीता है। मैचिंग का जमाना है, मैचिंग। इन देवियों को देखो, ऐसी लगेगी जैसे स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हो। अभी आप देखोगे तो ऐसी लगेगी स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हो, और जब इस घर में चौके चूल्हे में काम कर रही हो, अचानक पहुंच जाना, तो ऐसी देखेगी जैसे महिषासुर मर्दिनी रणचंडी, मैचिंग। मैचिंग, मैं मैचिंग के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैचिंग का जमाना है, ऊपर से नीचे तक मैचिंग, आगे मैचिंग, पीछे मैचिंग। अपनी मैचिंग पूरी हो जाए तो फिर पप्पू के पापा की मैचिंग। लेकिन मैं मैचिंग के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाओ वो कहीं भी मैच कर जाए। अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाइए वो कहीं भी मैच कर जाए। केवल वस्त्रों और आभूषण का मैचिंग मत रखिए, अपने स्वभाव को भी ऐसा बनाओ कहीं भी मैच कर जाए। आज के जमाने में तरुण से अगर कड़वी बात बोलेंगे, या तो अपने स्वरूप को, अपने आदत को, अपने स्वभाव को बदल लीजिए, वरना आत्महत्या के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे रहने के फिर लायक नहीं है। इस दुनिया में अगर आप रहना चाहते हैं, अपने स्वभाव को बदलाओ, अपने नेचर को बदलाओ, अपने विचारों को बदलाओ। और अगर आप अपने आप को नहीं बदल सकते हैं, तो ये दुनिया आपके रहने के लायक नहीं है, फिर आत्महत्या के लिए तैयार हो जाइए। इस दुनिया में रहना है तो अपने स्वभाव और नेचर को बदलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 11:15 बज रहे हैं, आज पहला दिन था, कुछ व्यवधान हुआ, लेकिन फिर भी बहुत। अपने अपने घरों में पानी की व्यवस्था करके रखिए, पता नहीं कब शॉर्ट सर्किट हो जाए और घर में आग। बोलो, पता नहीं कब किसके दिल का क्रोध भड़क जाए और क्रोध की अग्नि से जीवन की खुशियां धूं धूं करके जलने लगे। इसीलिए मुनि तरुण सागर की एक बात को याद रखिए, अपने अपने घरों में जल की व्यवस्था करके रखिए, पड़ोसी से ये उम्मीद मत रखिए आपके घर में आग लगेगी तो वो पानी लेके दौड़ेगा, वो तो तैयार बैठा है कब आग लगे और मैं पेट्रोल लेके जाऊं। आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है, भारत का पड़ोसी कितना बेईमान है। आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है, इसलिए निवेदन होगा, गुजारिश होगी, आप सब लोगों से बहुत ज्यादा सीखने और जानने की जरूरत नहीं है। आज जब आप यहाँ पर आए हैं, एक ही बात को दिल में गांठ बांध करके जाना, आपका जवाब आग से नहीं पानी से देंगे, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं शांति से देंगे। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए इतना विनम्र अनुरोध और निवेदन, जो महत्वपूर्ण है उसे याद रखें। और एक और संदेश आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, किसी जैन मुनियों से, जैन मुनि से ऐसे उपदेश की आप अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन मैं कह रहा हूं लड़ लेना, झगड़ लेना, पीट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। लड़ लेना, झगड़ लेना, पीट जाना, पीट देना,
पर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद करते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाया करते हैं। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो हम बोलते हैं खत्म करता हूं, अब तेरे से कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी ढूंढूंगा नहीं, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी पानी पीने नहीं आऊंगा। ओ बाबा कैसा चलेगा, कैसे चलेगा, छोटे बच्चे दिन में 10 बार लड़ते झगड़ते हैं लेकिन बच्चे बैर नहीं पालते, क्रोध बुरा नहीं है, बैर बुरा है, क्रोध बुरा नहीं है। महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो केकई और मंत्रा के बीच में जो हुआ, राम जी के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो केकई और मंत्रा के बीच में जो चलता था वो क्या था, वो क्या था, लव स्टोरी नहीं नहीं, आप मेरे को बताओ ना, मैं कहूंगा कि महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते तो केके मंत्रा के बीच में जो हुआ वो क्या था, नारायण श्री कृष्ण के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो कौरवों और पांडवों के बीच में जो हुआ वो क्या था, अर्जुनियों के तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो भरत बाहुबली के बीच में जो हुआ वो क्या था। लड़ाई झगड़े होंगे, ये चलते रहेंगे, तरुण सागर के प्रवचन सुनने के बाद लड़ाई झगड़े ना हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इतना निवेदन आपसे जरूर करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन लेकिन बोला गया बोल चाल बंद मत कर। और हम सबसे पहले झगड़ा पति पत्नी में झगड़ा हो गया, हो जाता है साहब, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी कब हो जाए, पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ गया, दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। रात का वक्त आया, पति ने अपनी पत्नी को चिट पर लिख करके दिया, कल मुझे भोपाल जाना है, 6 बजे की ट्रेन पकड़ना है, तू मुझे 5 बजे उठा देना। बोला नहीं, बोला नहीं, चिट पे दिया, पत्नी को लेकर के चिट पर दिया कि मुझे 6 बजे भोपाल जाना है, ट्रेन पकड़ना है, 5 बजे उठा देना। पत्नी ने चिट ली, पढ़ा, चिट को रख दी, पति पत्नी दोनों सो गए। सुबह जब पति उठा, घड़ी पर उसकी नजर गई, सुबह के 8 बज रहे थे, उसे बड़ा गुस्सा आया कि देखो मैंने पत्नी से कहा था कि सुबह उठा देना, इसने मुझे उठाया तक नहीं। तभी उसकी नजर सिराने गई, वहां एक कागज की चिट रखी थी, कागज की चिट पर लिखा था श्रीमान जी 5 बज गए हैं, उठ जाइए। बोली नहीं, बोली नहीं, श्रीमान जी 5 बज गए हैं, उठ जाइए। पति पत्नी के ये तो हाल है, वो कहते हैं हो न प्यार है।